अब आगे बढ़ते हैं, इससे पहले छह राशियों का हाल गुरुजी ने बताया है, उपाय अभी आगे बताएंगे, हाल बताया है, समस्याएं बताई हैं, अब बारी है आगे की तीन राशियों के बारे में जानने का। ये 2024 का साल गुरुजी, ये आगे की जो तीन राशियां हैं उनके जातकों के लिए किस तरीके से रहने वाली है? देखिए, हमने राशियों के बारे में विस्तार से चर्चा की और ये सब चंद्र राशि या जिसे जन्म राशि कहते हैं ना, उसके आधार पर बताया। अब तीन राशि यानी तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले लोगों को खास तौर से कुछ जानने की जरूरत है, सुनिए ध्यान से, फिर उपाय भी बताऊंगा। तुला राशि के जो लोग हैं इन्हें बहुत संभल के चलने की जरूरत है, क्योंकि तुला राशि के लोगों को थोड़े पारिवारिक समस्याएं या गृहस्थी की समस्याएं होती भी दिखाई दे रही हैं। लेकिन एक अच्छी चीज़ क्या है कि तुला राशि के लोगों के पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही है। अब आप यदि क्रोध नहीं करते हैं, मेहनत से आत्मविश्वास के साथ काम करते हैं, तो आपको इन अपॉर्चुनिटीज को बहुत अच्छे से बनाने का मौका मिलेगा और आपकी तरक्की होती चली जाएगी। रिश्ते बनते हुए नज़र आ रहे हैं तुला राशि के वो लोग जो शादी लायक हैं लेकिन शादी नहीं हो पा रही है, तो ये वर्ष अच्छा है उस कार्य के लिए। बहुत संभावनाएं बनती हैं, विदेश जाने की भी संभावनाएं बनती हैं, लेकिन धन के संचय को लेकर कुछ परेशानी है, गृहस्थी को लेकर कुछ परेशानी है। ये परेशानियाँ कैसे ठीक होंगी इसका समाधान मैं अभी आपको बता देता हूँ, लेकिन पहले वृश्चिक राशि का हाल जान लें। वृश्चिक राशि के लोगों को अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा। विद्यार्थियों के लिए समय वैसे अच्छा है, आपने बहुत अच्छे मार्क्स ले लिए, सब कुछ आपने कर लिया, लेकिन स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया फिर क्या होगा? तो इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और एक चीज़ खास, ना केवल अपने स्वास्थ्य का बल्कि अपने माता पिता के स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना होगा। बड़े भाई बहनों का या छोटे भाई बहनों का दायित्व भी आपको निभाना पड़ेगा, और ये सब सफलताओं के सूचक हैं। आप जितनी सेवा करेंगे उतनी सफलता मिलेगी, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है, सफलता उसके मुकाबले कम मिलनी है, लेकिन मन को हल्का नहीं होने देना, क्योंकि ये साल बुरा नहीं है। कभी कभी होता है ना कि हम जो चाहते हैं वो नहीं मिल रहा, लेकिन साल बुरा नहीं है, मिल जरूर रहा है। उपाय कर लीजिएगा तो कुछ बहुत परेशानियाँ वो ख़त्म भी हो जाएंगी। अब धनु राशि का हाल जान लीजिए। तो जन्म से जिन लोगों की धनु राशि है इन लोगों का हाल अच्छा है, 2024 का साल भी अच्छा है। स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी परेशानियां जरूर रहेंगी, लेकिन इनको एग्जाम्स में सफलता मिलेगी, इनको बिजनेस शुरू करने में सफलता मिलेगी, इनको कुछ नया करने में सफलता मिलेगी, नई नौकरी के परिवर्तन में सफलता मिलेगी, और यदि ये विदेश जाना चाहते हैं तो 2024 में प्रयत्न करें, आपको निश्चित रूप से सफलताएं मिलने का योग चल रहा है। तो कुल मिला के आपके लिए ये वर्ष अच्छा है, बस स्वास्थ्य का अपने ज़रूर ध्यान रखें। स्वास्थ्य में भी पैरों का, पेट का, कमर का, कंधे का, ये ध्यान आपने रखना है, बाकी सब ठीक है, चिंता ना करें। तो तीन राशियां तुला, वृश्चिक और धनु राशियों के लोगों के लिए ये साल किस तरीके से रहने वाला है, क्या करना है, स्वास्थ्य का ख्याल किस तरीके से रखना है, ये गुरुजी ने विस्तार से बताया। और उम्मीद यही कि जो दर्शक देख रहे हैं वो गौर से सुन भी रहे होंगे, जो गुरुजी बता रहे हैं वो समझ भी रहे होंगे। गुरुजी, आगे बढ़ने से पहले अब ज़रा उन लोगों की बात हो जाए जो कामकाजी लोग हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो इंजीनियर्स हो सकते हैं, वकील, डॉक्टर्स और अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हुए जो लोग हैं, अब उनके लिए ये साल किस तरीके से रहने वाला है, उनके लिए कितना शुभ संकेत ये साल लेकर के आ रहा है, क्या उनके लिए मैसेज है इस साल में? ये अच्छा प्रश्न है, क्योंकि बृहस्पति के साथ साथ शनि और राहु का प्रभाव भी सन 2024 पर है, जिसकी वजह से जो लोग लोहे के काम में हैं, पेट्रोल के काम में हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के काम में हैं, ऑयल से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, उसमें इनको सफलता है। राजनीति से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको आंशिक सफलता मिलेगी, समाज से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको भी आंशिक सफलता मिलेगी, लेकिन जैसे मीडिया के लिए, फिल्म्स के लिए ये आने वाला समय बेहतर सिद्ध हो सकता है। जो लोग ब्यूरोक्रेसी या जुडिशरी में जाने के लिए इम्तहान दे रहे हैं और उनको
जो मैंने राशि फल उनकी राशियों के हिसाब से बताया है, जरा सी भी थोड़ी और मेहनत करने तो सन 2024 उनके लिए जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लेके आएगा। तो गुरुजी ने जो उपाय बताए हैं उनका ख्याल रखना है, मेहनत करनी है और मेहनत करेंगे तो ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और जो हिदायतें, जो सावधानियाँ गुरुजी बता रहे हैं, उन बातों का आपको विशेष तौर पर ख्याल रखना है। ABP News आपको रखे आगे।